हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल क्रेजी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, क्रेजी गार्डनिंग चैनल के थ्रू आज मैं जो एक इंसेक्ट लगता है उसको किल करने के बारे में बताता हूँ। और ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है एंड आई एम डैम श्योर योर माली वॉन्ट टेल यू हाउ टू किल दिस पेस्ट। तो इस पेस्ट जिस पेस्ट का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्केल इंसेक्ट। और फ्रेंड, ये एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप का बहुत ही डिवास्टेटिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये पेस्ट दिखता कैसा है और ये होता किस तरह का है, फिर बाद में हम कवर करेंगे कि इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि इसके नाम से शो होता है, स्केल इंसेक्ट्स यानी कि जैसे मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं छोटे छोटे, इसी तरह से इस पेस्ट के जो बॉडी होती है वो एक स्केल से कवर होती है। और ये वेरीज करते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, यानी कि हर स्पीशीज़ में अपना अलग अलग एक रंग होता है, एक टेक्सचर होता है। तो फिलहाल मेरे पास जो स्केल इंसेक्ट है वो फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा एक साइकस का प्लांट है और इसके ऊपर देखिए आप, ये स्केल ने इसको किस तरह से जो है पूरी लीव्स को कवर किया है। इसका जो ये मिडरिब है लीफ का, वो भी आप देखें, पूरा स्केल इंसेक्ट ने इसको खा रखा है। और मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देखें कि ये छोटे छोटे ये स्केल इंसेक्ट हैं। और फ्रेंड, क्या होता है कि स्केल इंसेक्ट की ख़ास बात और है कि जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है मूवेबल नहीं होते, एक जगह ये इन्होंने अपना स्थान ले लिया तो ये परमानेंटली और फॉर द होल लाइफ जब तक कि ये जिंदा रहते हैं उसी जगह ये चिपके रहते हैं। फीमेल का ये रहता है कि फीमेल अंडे बच्चे देती है और वो बच्चे थोड़े से क्रॉलिंग करते हैं, मतलब थोड़े से इधर उधर भागते हैं, वो भी अपनी जगह पर सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस तरह से देखते ही देखते आपका जो पूरा प्लांट है और उसकी लीव है वो पूरी ही कवर हो जाती है। जैसे कि मैंने ये दिखाया है, यहाँ मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखें कि ये कहीं एक दो जगह लगा था और ये पूरी लीव्स पर जो है इसने कवर कर लिया है। ये आप देखें, छोटे छोटे से स्केल्स हैं फ्रेंड, यहाँ देखें, ये देखिए, हाँ ये देखिए, पूरे ही कवर कर चुके हैं इसको, जैसे कि आप दिख रहा होगा। और ये पूरी लीफ पर फ्रेंड आप देखें, ये पूरी लीफ पर जो है, हाँ ये पूरी लीफ को इसने अच्छे से कवर किया है। फ्रेंड, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लांट का ही एक पार्ट है, जैसे प्लांट पे छाल आ जाती है, बार्क आ जाती है। और ये पेस्ट जब अटैक करता है और पूरे पेड़ में फैल जाता है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये पेस्ट से अटैक है। प्लांट आपका इस तरह से लगता है जैसे उस पर छाल सी आ गई, लेकिन देखते ही देखते सारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड, ये तो रही कि ये पेस्ट किस तरह का होता है और इसका नेचर क्या है। और हाँ फ्रेंड, ये जो है ये पेस्ट हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड इलाके, यानी कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है, ये पेस्ट वहीं पर आकर के ज़्यादा फीड करता है। और साइकस में है, मेरे यहाँ जो साइकस लगा हुआ है उसमें है, वैसे ये पॉलीफेगस पेस्ट है, ये किसी भी क्रॉप में ईजिली लग सकता है, जैसे आपका हिबिस्कस है, चंपा है। और मेरे यहाँ देखिए रोज़ भी मैंने आप रखा हुआ है, आप यहाँ देखें, मैंने ये रोज़ लाइव है, इसको मैंने ऊपर से प्रून किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए फ्रेंड, ये पूरा ही इसको कवर किया हुआ है, यहाँ पर देखें। ये फ्रेंड देखिए, ये यहाँ देखिए, ये पूरा कवर किया हुआ है, ये छोटे छोटे स्केल्स इंसेक्ट हैं। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए जो एक यूनिक मेथड है इसको कंट्रोल करने का, वो मैं आपसे साझा करता हूँ। वैसे तो क्या है कि आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी ये पेस्ट चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के छोटे प्लांट हैं जिसमें पत्तियां कम हैं, या फिर इस तरह के बुशी प्लांट हैं जिसमें आपने ज़्यादा बुश नहीं बना रखा है, तो बहुत कारगर इलाज है जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी है और इसमें ये हमने घोलना है, इसमें थोड़े से वाटर में ये बुझा हुआ चूना है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और ये किसी भी किराना शॉप पर या पान वाले की शॉप पर आपको इजली अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या करना है फ्रेंड, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ ले लिया, कटोरी में निकाल लिया, अपनी देख लिया कि कितनी हमें डिज़ायरेबल क्वांटिटी क्या है इसकी, डिज़ायरेबल क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसको कटोरी में निकाल लिया। अब फ्रेंड, कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हो, मेरे पास तो इमिडाक्लोप्रिड और थायमेथॉक्साम दोनों हैं, तो मैं इसमें इमिडाक्लोप्रिड की दो या तीन बूंदों को मिला लेता हूँ।
ये मैंने इसमें दो या तीन बूंदे इसमें मिला ली हैं। और इसको एक पेस्ट का एक पेस्ट तैयार किया है ये फ्रेंड, देखिए इसका एक पेस्ट तैयार किया है। अब करना क्या है कि इस पेस्ट को आपको इस पर लपेट देना है, यानी कि एक पेंटिंग ब्रश है, पेंटिंग ब्रश की हेल्प से इस टहनी को पूरा पेंट कर देना है। तो देखिए ये फ्रेंड, इससे क्या होगा, ये दो वे में फंक्शन करेगा। वो दो वे क्या हैं कि जो ये चूना है वो इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेगा, इंसेक्ट के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लेगा। और उस लेयर के क्रिएट करने से क्या होगा कि जो इंसेक्ट की बॉडी है वो डेसिकेट हो जाएगी, यानी कि उसकी बॉडी में से जितना भी वाटर है वो सब सूख जाएगा। और इंसेक्ट के अंदर जो स्पार्किल्स होते हैं जिससे वो सांस लेता है, तो इंसेक्ट जो है वो सांस लेना बंद कर देगा और अपना दम वहीं तोड़ देगा, यानी कि एब्रेसिस हो जाएगा क्यूटिकल का, इंसेक्ट को सांस नहीं आएगा और थोड़ी ही देर में इंसेक्ट जो है वो जहाँ पर चिपका हुआ है वहीं पर ये अपना दम तोड़ देगा। दूसरा वे फ्रेंड क्या है कि इसमें हमने एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मिलाया हुआ है, वो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इस प्लांट सिस्टम में जाकर इसके जूस के साथ एक रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने से क्या होगा कि जब इंसेक्ट उस पर फीड करेगा तो उसके अंदर जब टॉक्सिकेंट अंदर जाएगा, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी से भी इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ मैंने, आप देखिए, मैंने रोज़ के ऊपर ये पेंटिंग किया है इस तरह से। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट चिपके हुए हैं, यानी कि स्केल इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक मेथड है, जो स्केल इंसेक्ट यहाँ चिपका हुआ है वो यहाँ किल हो जाएगा। अब यही सेम एप्लीकेशन में इसके साथ करता हूँ, जो मेरा ये जिसमें ये ज़्यादा डिवास्टेटेड है, ये इसी तरह से लेना है और ये पेंट कर देना है पूरे इसको। क्योंकि पेड़ छोटा है तो ये एप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। ये देखिए फ्रेंड देखिए, मैंने चूना और इमिडाक्लोप्रिड का जो पेस्ट था वो पूरे ही प्लांट पर इस तरह से पेंट कर दिया है इस पेंटिंग ब्रश से। और क्या होगा कि जब दो तीन बार इसमें पानी पड़ेगा तो ये खुद ही धुल जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब जो कैल्शियम होता है वो प्लांट के लिए वैसे ही एक उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कलियां बनने में, या कलियां जब अगर बन के झड़ जाती हैं तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मैंने ये चूना यूज़ किया है, तो आप लोग डरे नहीं, चूना जो है वो ये बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो पेड़ के लिए नुकसान की चीज़ नहीं होता है, बल्कि कैल्शियम की ज़रूरत को और कमी को जो है प्लांट पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड जब आपके पास इस तरह के अगर छोटे प्लांट हैं तो उसमें ये एप्लीकेशन बहुत ही प्रैक्टिकल पॉसिबल है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन थोड़ी फेल हो जाती है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तब क्या है कि आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जैसे थायोमिथोक्साम है, एसीटामिप्रिड है या इमिडाक्लोप्रिड है, उसका इस तरह से घोल बनाइए और नीम ऑयल की भी उसमें कुछ बूंदे डाल करके आप स्प्रे करें, तब उससे ये पेस्ट जो है चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटे प्लांट हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम देना ना भूलें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी किसी नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।